हम भारत में बड़ा गर्व महसूस करते हैं कि चंद्रमा से आए हुए पत्थर के टुकड़े पर रिसर्च किया जाए, लेकिन कभी इस बात पे गर्व नहीं आता कि 6,32,000 गांवों में जो गाय का गोबर उपलब्ध है, इस गाय के गोबर का भी कोई सदुपयोग हो सकता है। चंद्रमा से आए हुए पत्थर पे अगर हमने कुछ रिसर्च कर भी लिया तो उससे भारत के आम आदमी का कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन गाय के गोबर पे कोई रिसर्च हो गया तो जरूर 6,32,000 गांवों के काम का हो सकता है कि नहीं जाता है, चिंतन भी नहीं चलता है। मंगल पे जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए बहस होगी, डिबेट होगी, लेकिन गाँव गाँव में लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा, कोई टेक्नोलॉजी क्यों इन्वॉल्व नहीं होती, इस पर हमारा दिमाग नहीं चलता। हुआ यही है कि हम अपनी जड़ों से कट गए हैं, हमारी हालत त्रिशंकु जैसी है, ना तो ऊपर गए ना तो नीचे रहे। और हम हिंदुस्तानी अगर पूरे अमरीकी हो जाते, यूरोपियन हो जाते तो ये प्रॉब्लम्स नहीं आती, ना तो हम अमरीकी हो पाए ना यूरोपियन हो पाए, ना हिंदुस्तानी ही रह पाए, खिचड़ी हो गया बीच में लटक। 100% अगर यूरोपियन हो जाते तो ये प्रॉब्लम नहीं आती और मैं आपके पास नहीं आता कभी बात करने, और या 100% हिंदुस्तानी रह जाते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती, कुछ ना कुछ रास्ते निकाल लेते, हम तो बीच में फंस गए, ना तो इधर के रहे ना उधर के रहे। वो एक कहावत है ना, धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का, वही हम खासकर पढ़े लिखे हिंदुस्तानियों की ये स्थिति है, समस्याएं यहीं से शुरू होती हैं।